हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नवरात्रि व्रत कब खोलें, व्रत क्या खाकर खोलें, व्रत का पारण नवमी या दशमी कब करें, पारण की विधि। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और साथ ही फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी आदि शक्ति के 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है। माँ के भक्त अपने अपने तरीके से माँ की भक्ति के इन 9 दिनों में माँ की आराधना करते हैं। कुछ लोग 9 दिनों तक फलाहार व्रत करते हैं तो वहीं कुछ एक समय भोजन ग्रहण कर व्रत करते हैं। आज हम आपको नवरात्रि व्रत कैसे और कब खोलना चाहिए, क्या खाकर खोलना चाहिए और जानेंगे नवरात्रि व्रत का पारण नवमी या दशमी कब करना चाहिए। जो लोग सप्तमी यानी 7 दिन तक व्रत रखते हैं वे अष्टमी के दिन अपनी कुल देवी की पूजा कर प्रसाद ग्रहण करते हैं और जो लोग अष्टमी तिथि तक व्रत रखते हैं वो नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर हवन के बाद ही व्रत का पारण करते हैं। नवरात्रि व्रत का पारण कब, पारण को लेकर अलग अलग जगहों पर पारण करने की परंपरा है। कुछ भक्त नवरात्रि के व्रत का पारण अष्टमी की तिथि में करते हैं, इस तिथि को महाअष्टमी भी कहा जाता है। वहीं कुछ लोग नवमी की तिथि में माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद कन्या पूजन और हवन कर व्रत का पारण करते हैं। बहुत से लोग प्रतिपदा के दिन से लेकर नवमी तिथि तक व्रत करने के बाद दसवीं तिथि को व्रत का पारण करते हैं, लेकिन पारण के लिए नवमी तिथि के अस्त होने से पहले का समय ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके साथ ही दसवीं की तिथि भी नवरात्रि पारण के लिए उपयुक्त मानी गई है। नवरात्रि पारण विधि, नवरात्रि का पारण 2 अलग अलग तिथियों पर करने की मान्यता है। जो लोग नवरात्रि व्रत का पारण महाअष्टमी तिथि पर करते हैं उन्हें सुबह प्रातः काल जल्दी उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि के बाद सबसे पहले माता महागौरी की विधि अनुसार पूजा करनी चाहिए और उन्हें उनकी सभी प्रिय चीजें अर्पित कर उनका प्रिय भोग लगाना चाहिए। महानवमी तिथि पर नवरात्रि व्रत पारण करने वाले लोगों को इस दिन सुबह प्रातः काल जल्दी उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि के बाद माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर उन्हें भोग लगाना चाहिए। इसके बाद घर में हवन करें। पूजा हवन करने के बाद 9 कन्याओं तथा लंगूर को भोजन करवाएं और प्रसाद बांटें। कन्या पूजन के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत का पारण क्या खाकर करें। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि व्रत का पारण आपको माता के प्रसाद से ही करना चाहिए, अर्थात कन्या पूजन और हवन आदि के बाद आपने पारण के दिन जो भी भोग माता रानी को लगाया है उसी भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके व्रत का पारण करना चाहिए। इससे आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। किसी भी व्रत में व्रत के पारण का बड़ा महत्व होता है। कहा जाता है कि व्रत के पारण के बिना आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। जय माता दी।